सर्व सांझी गुरुवाणी में आपका स्वागत है। आओ श्रवण करें गुरु उपदेश। प्रभु को सिमरे से धन वनते, प्रभु को सिमरे से पत वनते। जो प्रभु का स्मरण करते हैं सही माने में वही धनी हैं और वही इज्जत वाले लोग हैं। प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। सही माने में परवान है उनका जीवन, सफल है उनका जीवन, सफल हैं वे लोग, सक्सेसफुल हैं वो लोग जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उनका आना सार्थक है इस दुनिया में। और सही मायने में वही प्रधान जन है, प्रधान हैं वे लोग, उत्तम हैं वे लोग जो प्रभु का स्मरण करते हैं। नहीं तो इंसान की ज़िंदगी यही चार पैसों के चक्कर के इर्द गिर्द, मैं मेरी के इर्द गिर्द निकल जाती है। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्ब के राजे। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनको किसी के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ता, मोहताज नहीं होते वो किसी। दरअसल में सही मायने में वही राजे होते हैं, सबके वही राजे होते हैं। वो राजे क्या राजे जो आज हैं और कल है नहीं, जो राज तो करते हैं पर दिलों पे फिर भी राज नहीं कर सकते। जो प्रभु का स्मरण करते हैं सही मायने में वही राजे होते हैं, सबके वही राजे होते हैं। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। इस दुनिया में सुखी वही हैं जो प्रभु सिमरण में अपना समय गुजारते हैं, प्रभु सिमरण में अपने समय का निवेश करते हैं। और क्योंकि वो प्रभु के अंदर अपनी आत्मा को एक कर लेते हैं वे विनाश नहीं होते, अविनाशी होते हैं। क्योंकि अविनाशी प्रभु के साथ जुड़ने से आत्मा और जो उनकी प्रभाव है, शोभा है, वह भी विनाश से मुक्त होती है, अविनाशी हो जाती है। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। कई चीज़ें तो जोर से पैसे से हासिल हो जाती हैं, परंतु जो प्रभु का सिमरन है वो जो चार घड़ियां जब हमें प्रभु याद आना है पैसे से नहीं। पैसे से तो चिंताएं ही आनी हैं, जोर से नहीं। जोर से तो ईर्ष्या द्वेष ही पैदा होना है। जब प्रभु दयालु होते हैं तो वो भाग्यशाली घड़ियां आती हैं जब हम प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करते हैं। जब प्रभु की दया होती है तभी ऐसा होता है। नानक जन की मंगे रवाला, और उन जनों में तो आत्मिक विकास होता ही है, और उनके चरणों की शरण में जो व्यक्ति होता है उसे भी बहुत आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। नानक जन की मंगेर वाला, उनके जो चरणों की धूड़ है वह भी बहुत कल्याणकारी होती है, उससे भी पाप संकट मिटते हैं और हमें जीवन जांच आती है, हम सत्य की तरफ जुड़ते हैं और हम प्रभु सिमरण और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा गलतियों को आप क्षमा करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे और भावनाओं की कदर करेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे। नाम की चर्चा, प्रभु नाम की चर्चा चलती रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।